हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच हिंदी लेसन नंबर 7, खुला आकाश। लेसन नंबर 7, खुला आकाश। ओके चिल्ड्रन, खुला आकाश। और क्या है ये? पूरक पठन। खुला आकाश, पूरक पठन। ओके चिल्ड्रन, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कवि का नाम, सॉरी लेखक का नाम, कुंवर नारायण। लेखक का क्या नाम है? कुंवर नारायण। अब इसके बाद हम देखेंगे चिल्ड्रन परिचय। परिचय देखते हैं। परिचय क्या है इनका? जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु कहाँ है? 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं परिचय में क्या है। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा आपने कहानी, लेख और क्या है, समीक्षा, देखो समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी लेखनी चलाई है। मतलब इन सब कलाओं पर भी इन्होंने लेखनी चलाई है। आपकी कविता कहानियों का नई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपकी क्या है, आपको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। अब इनकी प्रमुख कृतियां क्या है चिल्ड्रेन? चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। अब हम देखेंगे चिल्ड्रेन गद्य संबंधी। ये है आपका गद्य संबंधी। प्रस्तुत डायरी, विधा में कुंवर, ये आपका प्रस्तावना है एक तरह से। नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में आपका मानना है कि हम दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। लेखक का क्या कहने का मतलब है कि हम दूसरों से वाद विवाद यानी झगड़ा मार न करके खुद से बात करें और अपने आप को समझें कि हम क्या हैं। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम देन स्टार्ट लेसन। ओके नाउ स्टार्ट। अभी हम आपका लेसन स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रेन। अब देखो अंदर की दुनिया, इसमें क्या है चिल्ड्रेन? अंदर की दुनिया। अब हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है ना। जो हमारे अंदर की दुनिया है वो बाहर की दुनिया से बहुत बड़ी है और हम उसका विस्तार नहीं करते। मतलब हम उसका एकदम डीप में वर्णन नहीं करते हैं। बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं। बाहर की अपेक्षा क्या? जो बाहर की दुनिया है उससे हम उसको छोटा करते जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। मतलब जिसमें कोई जान ना हो, निर्जीव कर लेते हैं। और ये क्या है? आज़ादी, पूरी आज़ादी। अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है। मतलब हम बाहर से आज़ाद होकर नहीं रह पाते हैं, लेकिन अपने अंदर की जो आज़ादी होती है वो हम बखूबी निभाते हैं, क्योंकि हमारे जो अंतरात्मा होती है उसको तो हम देखते हैं। और कोई देखता है क्या? नहीं देखता है।
जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं, बिल्कुल अपनी तरह हम समृद्ध। देखो जितना हम झुकते जाएंगे, जितना आप अपने आप को नीचा करते जाएंगे, उतना ही सामने वाला हमें झुकाता जाएगा और हम कैसे हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल अपनी जो भीतर की दुनिया है उसको भी स्ट्रांग बनाना है और बाहर से भी समृद्ध बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं और हम एकदम स्ट्रांग बन सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं। और स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अब देखो जो लोग स्वार्थी होते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए जीते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो लेखक का कहने का क्या अर्थ है कि निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए महत्व रखता है, जो निस्वार्थ भाव से मतलब बिना किसी चीज़ की अपेक्षा किए हुए दूसरों की सेवा करते हैं, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, वो लोग निस्वार्थ जीते हैं। मतलब कोई उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। और क्या, जो दूसरों के लिए जीते हैं वो अपने लिए भी विशेष महत्व रखते हैं, तो दूसरों के लिए तभी वो कुछ कर पाते हैं। अब देखिए मकान पर मकान, मकान पे मकान अभी हम देखेंगे चिल्ड्रेन। और हाँ ये हुआ मकान पे, और जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं लेखक कि मैं जिस गली में रहता हूँ वहाँ पे आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मकान पर मकान जो लदे हुए हैं, दिखाई नहीं देता। और उस गली में पेड़ भी नहीं है, उस गली में पेड़ भी नहीं है, न ही पेड़ लगाने की गुंजाइश है। जैसे आपको पता है ना कि शहरों में जहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है, एक बिल्डिंग के ऊपर 4, 5, 6, 7, 8, 10 मंजिलें बने हुए हैं, तो मकान के मकान ऊपर मकान लदा हुआ है ना, और आसपास के परिसर में कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे फूल पत्तियाँ पौधे पेड़ कुछ भी लगाया जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या करेंगे वहाँ पे, अब देखो पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है और मकान ही मकान है। और क्या है बच्चों, मकान ही मकान है, और इतने मकान की लगता है मकान पर मकान लदे हैं, सोचो। और शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है ना कि मकान के ऊपर मकान लदे रहते हैं। अब देखो लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि एक सकरी गली में फंस गई है, जो कि एक क्या सकरी गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं सिर्फ दूसरे मकान और गंदी सी तंग गली दिखाई देती है। आपको पता है ना कहीं कहीं की एरिया ऐसी होती है कि आप अपने घर में से खिड़की में से देखेंगे तो सुगंधित और अच्छी जगह आपको नहीं दिखेगी, कचरे वाली जगह दिखेगी, गंदी सी गली दिखेगी, यही सब दिखता है ना। और मुंबई के शहरों में कोई कोई एरिया ऐसी हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत दिखाई देती है। ओके चिल्ड्रेन, तो चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं। क्या बोल रहे हैं, चिड़िया तो दिखती है लेकिन वो पेड़ों पे बैठी हुई नहीं, ना आसमान में उड़ती हुई। कहाँ दिखती है, वो बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी। अब बताइए जहाँ पे जब पेड़ पौधे ही नहीं हैं, आसमान हमें दिखता ही नहीं है, तो हम चिड़िया को कैसे देख पाएंगे। तो चिड़िया जो हमें दिखता है वहीं पे दिखेगी ना। अब बिजली के जो है टेलीफोन के जो तार हैं उस पे बैठी, मगर
मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती है। बातचीत मतलब जो चीची चीची करती है ना चिड़िया, वो आपस में जो चूचू चीची करती है तो आपस में बात करती हैं, बोल रहे हैं कि वो मुझे नहीं दिखती है कि कब घोंसले बनाती हैं कब बात करती हैं। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक नहीं हैं, मतलब वो भगवान की देन नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, रबड़ या प्लास्टिक से बने खिलौने हैं। क्या बोल रहे हैं लेखक, चिड़ियों को देख के लगता है कि वो नेचर से नहीं है, मतलब प्राकृतिक की देन नहीं है, ऐसा लगता है रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं जो शायद इधर उधर फुदक सकते हों, जो शायद इधर उधर फुदक सकते हों या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हों, है ना, या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हों। तो अभी देखिए आगे क्या है चिल्ड्रेन, आगे का है मैं ऐसी सकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भी भारी कोशिश में हूँ। अभी देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसी सकरी तंग गली में मकानों की एक बहुत सी बड़ी भीड़ में बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान एवं हरियाली के अभाव से जूझते हुए, मतलब इन सारी चीज़ों की हमारे इधर बहुत कमी है, इन सब तकलीफ़ों से हम लोग जूझ रहे हैं और बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ, मतलब हम उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, उसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। सही साहित्य, अब सही साहित्य में क्या है चिल्ड्रेन, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, किससे देखते हैं, दोनों आँखों से, सिर्फ बाईं या सिर्फ दाईं आँख से नहीं। मतलब लेखक का कहने का मतलब है कि हम सिर्फ एक आँख से नहीं देखते हैं सही साहित्य की क्या सही है क्या गलत है, हम दोनों आँखों से देखते हैं, हम दोनों आँखों से उतना ही देखते हैं जितना हमें दिखाई देता है। तो आगे का हम देखेंगे चिल्ड्रेन, अभी नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे क्या है, जाने खुद को। अब हमें खुद को जानना है कि हम क्या चीज़ हैं, है ना, देखो जाने खुद को। अब देखो बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, देखो एकदम शांति से मौन धारण करके एक जगह घर में बैठ करके सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्म चिंतन के बीच में ना आए। मतलब लेखक का कहना मतलब है जब आप अपने बारे में सोच रहे हो तो जब आप सोच रहे हो तो वहाँ पे कोई दूसरा या अन्य कोई व्यक्ति आपके चिंतन के बीच में नहीं आना चाहिए, तब आप अपने बारे में अच्छे से सोच पाओगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हम अपने को जान सकेंगे, एक तो क्या करेंगे हम अपने आप को समझ पाएंगे जान पाएंगे कि हम स्वयं क्या हैं, अच्छे हैं या बुरे, जब हम सोचेंगे तभी तो जानेंगे ना कि हम स्वयं क्या हैं, अच्छे हैं या बुरे, स्वयं माने खुद, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम रखते हैं, जो दूसरों के बारे में का दम रखते हैं, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। क्या करते हैं, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, और जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से क्या हैं, वो
जिसके प्रतिक्षण को मौजूद रहते हुए अपने बारे में तो न संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। क्या कर पाते हैं बच्चों? जिनके प्रतिक्षण मौजूद रहते हैं, मतलब प्रतिक्षण वो मौजूद रहते हैं लेकिन खुद के बारे में, अपने बारे में संतुलित ढंग से, मतलब अच्छे ढंग से सोच नहीं पाते, न सक्रिय हो पाते, न मतलब अपने काम को लेकर के वो साकार हो पाते हैं, और दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें, दूसरों के सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है, जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। मतलब दूसरों की समझ में भी हमें भरोसा करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोग बेस्ट होते हैं, खुद के ऊपर इतना भी अभिमान नहीं करना चाहिए बच्चों। तो दूसरों की सोच में भी अपनी सोच को देखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, और अपनी सोच को भी उसमें समझना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होता है। क्या होता है चिल्ड्रन? स्वीकृति का भाव होता है, चाहिए, हाँ भाव होना चाहिए। और दूसरा अन्य नहीं अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप हमसे अलग था, भिन्न नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर एक, हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक, मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, अगर हम जिससे जिससे भी मिलते हैं, हमारे मन में उनके लिए सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। मतलब हमें उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, नहीं कि बुरा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा उसका प्रतिरूप, तो हमारे ही प्रतिरूप हमसे अलग या भिन्न नहीं है, तो हमें लगेगा कि जैसे हम हैं अच्छे, वैसे हमारे सामने वाले भी अच्छे ही होंगे। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी देखो, सिर्फ मनुष्य होते तो क्या करते हैं आप? अभी देखो, कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों, कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। अब क्या वो लोग सोचने लगे, सिर्फ मनुष्य होते तो? कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए बच्चा और गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय बकरी भेड़ और तितली वगैरह की तरह होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल क्या है बाघ होते हैं, सारे बाघ केवल बाघ होते हैं, उसके लिए क्या करना है बच्चों, वगैरह की तरह। अब देखो क्या है, भेड़, तितली वगैरह की तरह, और ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे ही सारी गायें केवल गायें होती हैं और कुछ भी नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं कि जैसे बाघ बाघ की तरह होता है, गाय गाय की तरह होती है, ऐसे मनुष्य क्यों नहीं होता? मनुष्य हो के भी अलग अलग उनका बुद्धि, विचार, समझदारी, रहन सहन, ये सब क्यों अलग हो जाता है? लेखक ये बोल रहे हैं सिर्फ मनुष्य होते तो इसमें, क्योंकि गाय तो गाय रहती है, भैंस भैंस रहती है, बैल बैल रहता है, वो बदलते हैं क्या? नहीं, लेकिन मनुष्य जो है बदलता है। मनुष्य कोई अच्छा होता है तो कोई बुरा होता है ना?
कोई बहुत अच्छा होता है तो कोई बहुत बुरा होता है, कोई केयरिंग होता है, कोई लविंग होता है, मतलब सब में अलग 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 क्या क्वालिटी होती है, सब में एक क्वालिटी क्यों नहीं है? ऐसा कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य क्यों नहीं है, वो अलग अलग प्रकार से क्यों है? अब हम देखेंगे चिल्ड्रेन। हाँ, लुका छिपा कर जीना, लुका छिपा कर जीना। अब देखो लुका छिपा कर क्या जीना है चिल्ड्रेन, अब हम देखेंगे। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। अब क्या बोल रहा है बच्चा कि मुझे, सॉरी लेखक, कि मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से, मतलब मुझे अपनी लाइफ को एकदम बिंदास जीना है। ये नहीं कि ऐसे हर चीज़ को छिपा करके, लुका छिपा करके, इधर उधर चोरी से, ऐसा मुझे नहीं करना है। मुझे एकदम बिंदास जीना है, मतलब सहज और खुले ढंग से जीना है। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। मतलब मुझे झूठ की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सामने कुछ और होता है और पीछे कुछ और होता है, वैसे मुझे जीना सख्त नापसंद है। अब देखो क्या है, वह चारित्रिक बेईमानी है। वह क्या है जो छुपा कर जीते हैं, वो क्या है बच्चों? चारित्रिक बेईमानी है, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, जिसे हम किसका देते हैं? व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। और इसके इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। इसके पीछे क्या झलकती है चिल्ड्रेन? आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाएं। क्या समझते हैं लोग? कि जो छिपा कर जीते हैं, सामने से नहीं लाते हैं, उनको लगता है कि हम छुपा कर रहेंगे, कहीं हमारी असलियत सामने न आ जाए। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि छिपाना जरूरी लगे? देखो चिल्ड्रेन, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम बिंदास रहते हैं, किसी के सामने कुछ डरते नहीं हैं। लेकिन अगर हम गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं, धूर्त वाला काम करते हैं, तो वो हमें किसी से छिपाना पड़ता है। लेकिन अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आपको छिपाना ही नहीं पड़ेगा, तो हमें ये काम करना ही नहीं है। तो हमें हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में अच्छा ही काम करना है, ताकि हमें छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके चिल्ड्रेन, तो हमारी जो असलियत है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें से सकारात्मक ऊर्जा आना चाहिए, ना कि नकारात्मक। ओके, अच्छे कर्मों की ऊर्जा हमेशा सकारात्मक आती है और बुरे कर्मों की हमेशा नकारात्मक होती है। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम देखेंगे चिल्ड्रेन ये नेक्स्ट क्या है, जीने का अर्थ। अब इसमें हम देखेंगे जीने का अर्थ। अब जीने का अर्थ क्या है? देखो, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ है, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। क्या बोल रहे हैं कि बुढ़ापे का यही अर्थ नहीं है कि जीवन के कुछ शेष कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर भी लागू हो सकता है। क्या बोल रहे हैं कि कभी, लेखक बोल रहे हैं कि ये जो जीवन का तथ्य है, ये कभी किसी भी खंड पर लागू हो सकता है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा। अब देखो बचपन क्या है, जब हम छोटे रहते हैं, यौवन यंग होते हैं, बुढ़ापा जब हम बुढ़े हो जाते हैं। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं जब तक जीवित और चैतन्य है, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ? मतलब ये सारे स्थिति में भी अगर हमारा जीवन बहुत चैतन्य, मतलब अभी भी हम बहुत होशियारी से हैं, हमारा माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिमाग चल रहा है हमारा, तो जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ? जिंदगी को क्या अर्थ, अब देखो चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ, या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ?
ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो। लेखक कहते हैं ऐसा कुछ है जिसका सबके लिए कुछ न कुछ महत्व रहे। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। अभी लेखक क्या बोल रहे हैं कि लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा का अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। ओके चिल्ड्रन, पूर्ण विराम। तो ये अविभाज्य लेखक को मिलेगा, ऐसा इस कहानी में उन्होंने लिखा हुआ है। तो चिल्ड्रेन, आपका यहाँ पे लेसन आपका हाफ फिनिश होता है चिल्ड्रेन, क्योंकि लेसन बड़ा है तो मैं हाफ लेसन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो इसको आपको क्या करना है, पूरे लेसन को चिल्ड्रेन केयरफुली रीड करना है, और रीड करने के बाद इसको वीडियो को सुन करके अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।